जैसा कि मैं जानता हूं उस सड़क का काम तो ऑलरेडी सेक्शन हो चुका है, लेकिन किन कारणों से नहीं हो रहा है और आए दिन उस रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और सड़क की इतनी बुरी हालत है कि लोगों के घरों में धूल मिट्टी वगैरह जा रही है। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि उस सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि लोगों को सरकार की स्कीम जो सरकार ने बनाई हुई है, विकास का मुद्दा लेकर सरकार चली है, तो उस मुद्दे पे हमारा जो रोड है, एक दो रोड रहता है जैसे कि रोड वो बना रहता है, तो मैं सरकार से मांग करूंगा और जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए ताकि लोगों को बेनिफिट हो, लोगों को आने जाने के लिए परेशानी ना हो। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो रोड है एरमा से लेके बाया पड़याल होता हुआ ब्रह्मोरी से निकलता हुआ आगे घूम और पमाल के साथ मिलता है, इस रोड की हालत वाकई बहुत दयनीय हालत है, बहुत खस्ता हालत है। क्योंकि ऐसे तो जो हमारी यहाँ सांझा सरकार है इसने बिल्कुल चारों तरफ जो है बहुत ही तीव्र गति से डेवलपमेंट करवाई है, सड़कों का जाल बिछाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में मात्र यही एक रोड है जो वंचित रह गया है। और इसमें हमने इससे आगे सरकार को भी इससे दरख्वास्त की है कि इसके बारे में सोचा जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उम्मीद है कि जल्द इसके ऊपर भी काम होगा, लेकिन दरअसल काम जो है जब ग्राउंड रियलिटी में काम लगे तो तभी लोगों को दिखता है कि कुछ काम हो रहा है। मैं खुद भी बहुत बार उस रोड का इस्तेमाल करता हूँ और मैंने देखा है कि बहुत इतनी धूल, खास करके जब ट्रैफिक चलता है वहां से, तो इतनी धूल मिट्टी है कि सड़क पे इतनी धूल नहीं होगी जितनी लोगों के घरों जो आसपास घर हैं वहां पे इतनी धूल है, जिससे आए दिन छोटे बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को बीमारी की शंका रहती है, दमे की बीमारी, खांसी वगैरह लोगों की नहीं जाती है। और मैं एक बार फिर कंसर्न्ड अथॉरिटी से, अपनी सरकार से और यहाँ के माननीय विधायक श्री राजीव जसरोटिया से भी अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें और इस रोड का काम जल्द से जल्द, इसके ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करें ताकि लोगों को ये जो है इस समस्या से राहत मिल सके।